नमस्ते दोस्तों, विद्यार्थी और उनके अभिभावक, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो, फार बऱ्याचशा पेरेंट्सची ही डिमांड होती की आम्हाला 10वीनंतर जो 11वीत प्रवेश घ्यायचा आहे, 10वी के बाद जो 11वी में हमको ऍडमिशन लेना है, उसकी ऑनलाइन प्रोसीजर के बारे में हम बहुत कंफ्यूज है, आप वो बताइए। और सेकंड इम्पॉर्टेंट ये था सभी के तरफ से कि उसके साथ साथ हमको जो है दूसरी एक चीज आपसे पता करना है, दैट इज ऑफ कि हम सीबीएसई आईसीएसई कंटिन्यू करें या महाराष्ट्र बोर्ड में एडमिशन लें। तो सबसे पहले मैं सीबीएसई आईसीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड का विषय क्लोज करता हूँ, एंड देन हम ऑनलाइन प्रोसीजर जो आज से शुरुआत हो चुकी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बहुत बार क्या होता है कि 10th आप आईसीएसई सीबीएसई से पास होने के बाद आपको मौजूदा स्कूल में कॉलेज में ये बताया जाता है कि आप यहीं पे कंटिन्यू कर लीजिए, जिसके आपको तीन फायदे होंगे। एक तो आपको मेरिट लिस्ट की राह नहीं दिखना है, हमारी स्कूल कॉलेज रेप्यूटेड है, वहीं पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा कि ऐसे भी 12th तक कुछ फर्क नहीं गिरता है, बाद में आप कोई भी ये ले सकते हो। स्कूल का स्वार्थ ये होता है कि उनके एग्जिस्टिंग बच्चे उनके पास कंटिन्यू, मैक्सिमम जिनको मालूम आता है वो नहीं करते हैं, तो उनको उनकी स्ट्रेंथ भरने में ये इजी चला जाता है। इसका कदापि ये मीनिंग नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सीबीएसई आईसीएसई में एडमिशन मत लो। अब होता क्या है कि हमारा सारा का सारा एजुकेशन 12th पे डिपेंड नहीं है। आपको आज मुश्किल लग रहा है कि हम ऑनलाइन फॉर्म महाराष्ट्र बोर्ड का कब भरेंगे, फिर हमको कॉलेज जो चाहिए वो मिलेगा या नहीं, हमारी स्कूल ही अच्छी थी, नको कुछ दिमाग को टेंशन, वही कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस आलस में जी रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, पर अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए कि अगर आप 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड से करो, आईसीएसई बोर्ड से करो या महाराष्ट्र बोर्ड से करो, आपको फिर से ग्रेजुएशन तो इन्हीं यूनिवर्सिटी में लेना है जो कॉलेज से अफिलेटेड है, तो तब फिर आपको वापस भटकना पड़ेगा इधर से उधर, उधर से इधर, क्योंकि 12th के बाद ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर नहीं होती है सेंट्रलाइज। उस टाइम पे आपको हर कॉलेज में फिर से फॉर्म भरना है, फिर एडमिशन लेना है। तो जो मेहनत दुगनी होने वाली है 2 साल बाद, वो मेहनत अभी करके अगर 11th में एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है रेप्यूटेड, तो आप वहां पे लेने में क्या दिक्कत है। दूसरा मुद्दा यह है कि आप सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड का अगर सिलेबस कंपेयर करते हो तो सीबीएसई का सिलेबस लगभग 1.5 गुना ज्यादा है महाराष्ट्र बोर्ड से, और उसके ऑप्शन जो है, जनरली हम सभी को पता है कि हमारी स्कूल पे डिपेंडेंसी कितनी होती है, बच्चे क्लासेस लगाते ही है। अगर मैं मेरा ही एग्जाम्पल दूं तो मेरे पास महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा अगर 11th के लिए एडमिशन आता है अकाउंट्स के लिए, तो उसकी फीस 6 या 7 हज़ार रुपये साल भर की, और वही अगर आप मेरे पास आओगे बोलोगे कि सीबीएसई के लिए मेरे बच्चे को एडमिशन लेना है, तो उसकी फीस हम 15 से 20 हज़ार लेते हैं और बच्चे देते भी है, और अगर 3 सब्जेक्ट का क्लास लगाओ तो 50-60 हज़ार रुपया फीस होगी। उतने में तो आपका महाराष्ट्र बोर्ड से 11th 12th और उसके क्लासेस सब हो जाएंगे। ये मैं खाली 11th के सीबीएसई के क्लासेस की फीस बोल रहा हूँ। खाली एक एडवांटेज ऐसा है सीबीएसई में, सिलेबस टफ है, डिफिकल्ट है, तो बच्चों को सीखने को बहुत मिलेगा, लेकिन इट डज नॉट मीन कि महाराष्ट्र बोर्ड में जो सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस बहुत ही नीचे के दर्जे का, ऐसे नहीं। अभी नया सिलेबस काफी अच्छा बना है, जीएसटी वगैरह सब आया है उसमें। दूसरा बेनिफिट ऐसे है कि अभी जितने भी एजुकेशन इस बच्चे का करियर 12th के बाद जितना भी बनने वाला है, ये सारे के सारे एजुकेशन जो है दोस्तों, ये सबके लिए एंट्रेंस एग्जाम है, लॉ रहेगा, बीबीए रहेगा सब, और उसकी प्रिपरेशन आपको 11th और 12th के साथ में ही करनी है। और ऐसे देखा गया है कि सीबीएसई का स्कूल 6 से 8 घंटा, उसके क्लासेस 2-3 घंटे, फिर बच्चा प्रिपरेशन करेगा कब, उसके अगेंस्ट महाराष्ट्र बोर्ड में जो सिलेबस दिया है उसका आप 4 घंटा कॉलेज और 1-1.5 घंटा रोज क्लास कर लो, बाकी टाइम आप इस सारे एंट्रेंस एग्जाम के तैयारी में दे सकते हो, इस एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस का
और 11th 12th के सिलेबस का कोई लेना देना नहीं है, आपको अलग से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो मेरी राय में एक पेरेंट बोल के, अगर आपका बच्चा स्कूल में कंफर्टेबल है, बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा, आपका 12th के बाद का कोई प्लान फिक्स नहीं है, देन गो फॉर सीबीएसई आईसीएसई। लेकिन अगर आप सोचते हो कि उसका पाथ डिसाइड किया है, मेरे लेक्चर्स टीवी पे, इस पे भी है बहुत सारे, CA CS CMA BBA में, या आपको लॉ करना है, एंट्रेंस देनी है उसकी, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देनी है, अभी तो आपका आईएमएस का एमबीए भी जो है वो इंटीग्रेटेड हो चुका है, तो ये सारे एंट्रेंस के लिए आपको बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। नो डाउट सीबीएसई आईसीएसई के सिलेबस से आपका बच्चा शार्प हो सकता है, पर इन सभी चीज़ों में वो पीछे गिर जाएगा। तो आपको कॉल लेना है कि आज थोड़ी दिक्कत है महाराष्ट्र बोर्ड ऑनलाइन एडमिशन करने के लिए, लेकिन इट इज फार बेटर ऑप्शन विद अ व्यू पॉइंट ऑफ टाइम, विद अ व्यू पॉइंट ऑफ मनी, एट द सेम टाइम फ्यूचर एजुकेशन। तो मैं, मुझे जितने पेरेंट्स ने क्वेश्चन पूछे हैं उनका ये आंसर। आता जी लोग ऑनलाइन हा वीडियो बगता है कि हम सर अभी ठीक है आपके डिसीजन पे हम आ गए, हम तो ऑलरेडी महाराष्ट्र बोर्ड से, अब आप हमको बताइए कि ऑनलाइन एडमिशन कैसे होगा। ऑनलाइन एडमिशन करने की जो प्रोसेस है वो आज से शुरुआत हो चुकी है। उसके तीन जो है वो मुख्य ऐसे ये है स्टेप्स है। स्टेप वन है दोस्तों कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है आज से लेके 31 जुलाई तक, आज से लेके 31 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप 1 से 10 अगस्त के बीच में भी कर पाओगे, बट इट इज बेटर कि आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लो, ये पहला स्टेप रहेगा। सर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या लगेगा? रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक मोबाइल नंबर जो चालू है, मेल आईडी लगेगा, और आपका 10th का हॉल टिकट जो आपने एग्जाम दिए, सीबीएसई आईसीएसई का तो रिजल्ट भी आ चुका है, उनका आप मार्कशीट भी लेके बैठ सकते हो, पण जे महाराष्ट्र बोर्डाची मुलं आहेत ती मुलं ती मार्कशीट घेऊन पण हॉल तिकीट घेऊन बसू शकतात। ये तीनों चीजें आपको साथ में लेके पहली स्टेप जो है वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन की स्टेप। तो रजिस्ट्रेशन के स्टेप में आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाके ये आप ऐसे भी ढूंढोगे कि 11th ऑनलाइन एडमिशन, तो भी आपको मिल जाएगी वो साइट। वो जो साइट है उसका नाम ये इनफैक्ट है ना, इस बार गवर्नमेंट ने इतना सुंदर किया है, आप ये साइट ओपन करने के बाद भी इसके अंदर बहुत अच्छा वीडियो दिया है उन्होंने, और वो वीडियो भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनका जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना है, उसका नाम है 11th admission, अगर आप ORG इन पुणे भी डालोगे तो भी सर्च किया तो आ जाएगा, तो 11thadmission.org.in क्या है वेबसाइट का नाम, 11thadmission.org.in। ये ऐसी स्क्रीन, अभी अब मैं आपको स्क्रीन बताता हूँ दोस्तों कौन सी है, देखिए 2 मिनट। ठीक है, आप जैसे ही ओपन करोगे ये, इसके अंडर जो है ये आपको, ठीक है दोस्तों, 11thadmission.org.com का ये स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये ओपनिंग स्क्रीन आपके सामने आएगा, ठीक है, एक दो ही मिनट। चलिए दोस्तों अब हम कंटिन्यू करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूं। आपको सबसे पहले www.http/11thadmissions.org.in इस वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट पे जाते ही आप सामने के दिखेगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ये वेबसाइट ओपन होगा। इस वेबसाइट में उन्होंने वीडियो भी दिया है अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो। आपका एडमिशन प्रोसेस टोटल 3 स्टेप्स में होगा। पहली स्टेप्स 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन यानी लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। गवर्नमेंट ने इस बार एक बहुत अच्छा किया था कि 24 जुलाई तक आपको डमी ये भी बना के दिया था कि आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आपने वो नहीं भी किया तो भी इतनी सिंपल प्रोसेस है, आप सभी कर पाओगे। सेकंड चीज, 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आपका जो बेसिक फॉर्म भरना होता है वो भरना है, दैट विल कम आफ्टर फ्रॉम 1st अगस्त टू 10th अगस्त।
और 10th अगस्त के बाद स्टार्ट होगा आपका जो सबसे मेन फॉर्म भरना है कि हाउ टू चूज कॉलेज, दैट इज फॉर्म नंबर 2। तो अभी जो है हम सबसे पहले फोकस करेंगे रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है ये होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म नंबर 1 में क्या ध्यान देना है, फॉर्म नंबर 2 में। सबसे पहले अभी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे देखते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करते हो, मैं जहाँ पे बैठा हूँ मेरे बाजू में ऐसे 6 ऑप्शन आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर, नाशिक, औरंगाबाद आणि अमरावती या ठिकाणी फक्त ऑनलाइन ऍडमिशन प्रोसिजर है। इट मीन्स आपको इन ठिकान इन जगहों पे कि कहीं पे भी एडमिशन लेना है तो वहां पे कहीं पे भी मैनुअल एडमिशन नहीं होगा। दैट एडमिशन इज ओनली डन बाय ऑनलाइन प्रोसीजर। सेकंड थिंग, इनको छोड़ के से फॉर एग्जांपल जालना है या अकोला है, वहां पे आपको डायरेक्ट एडमिशन होंगे, राइट। अब मैं समझो मुझे पुणे में एडमिशन लेना है तो मैं इसमें से सिलेक्ट करूंगा पुणे, ठीक है। पुणे जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपके सामने एक वीडियो ओपन हो रहा है। इस वीडियो में ये फॉर्म कैसे भरना है इसकी पूरी जानकारी है, पर 2 मिनट के लिए समझो आपको ये ना देखते हुए एकदम अर्जेंट में समझ लेना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब अगर आप सामने देखते हो तो सामने आपके राइट हैंड साइड में 2 स्क्रीन है, एक राइट हैंड साइड में स्क्रीन दिख रही है, वहां पे अगर आप देखते हो दोस्तों, देखो मैंने जूम किया है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऐसे दिख रहा है, फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऐसे दिख रहा है, बराबर है। तो अभी आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, ये जनरेट करने का ही ये फॉर्म है, तो आपको क्लिक करना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। कर दिया सर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक होने के बाद आपके सामने ऐसा हेडिंग आ रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अब जैसे मैंने पुणे एरिया डिसाइड किया था तो मेरे सामने 3 ऑप्शन आ गए कि मैं कहाँ से हूँ, यानी स्कूल का एरिया जो मेरा है वो कौन सा था, वो तो मेरी 10th कहाँ से हुई है, विद इन पीएमसी एंड पीसीएमसी एरिया यानी पुणे के अंदर या पिंपरी चिंचवड़ के अंदर, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक ही जोन बनाया पुणे को, आउटसाइड पीएमसी और पीसीएमसी एरिया, वो तो फॉर एग्जाम्पल मैं औरंगाबाद से हूँ, मैं समझो जालना से हूँ, मैं नांदेड़ से हूँ, मैं अकोला से हूँ, मैं वर्धा से हूँ, तो मेरा रहेगा आउटसाइड पीएमसी एंड पीसीएमसी एरिया। तीसरा ऑप्शन दिया है आउटसाइड महाराष्ट्र, आप गुजरात से हो, आप राजस्थान से हो, आप इंडिया के बाहर से हो, तो आपको चूज करना पड़ेगा आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। ये चूज होने के बाद 3 में से एक ही करना है, राइट। दूसरा है एप्लीकेंट स्टेटस, पहला यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्रेशर, यानी जिस भी स्टूडेंट ने अभी 2020 में एग्जाम दी है, मीन्स अभी की है एग्जाम, उसका स्टेटस रहेगा फ्रेशर। पर ऐसा कोई स्टूडेंट होगा कि जो 2020 पहले 4-5 विषय में पास हो चुका है, 1-2 सब्जेक्ट में वो फेल था, अभी उसने एग्जाम दिए बचे हुए सब्जेक्ट की, तो वो उसकी कैटेगरी रहेगी रिपीटर। एंड देन थर्ड वन रहेगा प्रीवियसली पास, यानी कोई ऐसे रहेगा कि 2017-18 में 10th हो गया, कुछ कारणवश नहीं कर पाया, अब 11th को जाना चाहता है, या बीच में और कोई एजुकेशन ले लिया, अब 11th में आना चाहता है, तो उसका कैटेगरी रहेगा प्रीवियसली पास्ट। अब ये होने के बाद अब तीसरा देखो, पहला स्टेप क्या था फिर से बताता हूँ, एप्लीकेंट स्कूल एरिया, ये तो आपको समझ गया, पुणे के हो तो पुणे, पुणे के बाहर के हो तो ये, या महाराष्ट्र के बाहर के हो या इंडिया के बाहर के, तो थर्ड कैटेगरी। एप्लीकेंट स्टेटस 3 पॉइंट, फ्रेशर, रिपीटर एंड प्रीवियसली पास। अब आते हैं हम नेक्स्ट इस पे, 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड। अब भारत में बहुत सारे बोर्ड है और इंडिया के बाहर के भी, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब समझो मेरा 10th महाराष्ट्र बोर्ड से हुआ है तो मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाला SSC वाला, दिख रहा है स्क्रीन पे। अगर CBSE से हुआ है तो मैं CBSE सिलेक्ट करूंगा, ICSE हुआ है तो ICSE करूंगा, इंटरनेशनल बोर्ड हुआ है मीन से फॉर IP जो होता है इंडिया के बाहर रजिस्ट्रेशन, वो आप डाल सकते हो। अगर IGCSE होता है, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट होता है वो, नेशनल ओपन स्कूल से होता है, इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग NIOS डाल सकते हो। पर सर मेरा तो इसमें से कोई बोर्ड नहीं है, मैं कर्नाटका बोर्ड का हूँ, तो आपको सिलेक्ट करना है एनी अदर बोर्ड। और एनी अदर बोर्ड आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो भारत के जितने भी बोर्ड है, जितने भी राज्य के, उनकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। और फिर उनकी लिस्ट आने के बाद आपको, अगर आपके आपका बोर्ड का नाम आता है तो ठीक उसके अंदर,
पर अगर नहीं आता है, इंडिया के बाहर का है आपका, समझो कहीं दुबई से आपका 10th हुआ है, तो आप उसके डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो पूरे, ठीक है। अब एप्लीकेंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन चालू हो गई, यहाँ पे आपको सीट नंबर डालना है। सर कहाँ से पता चलेगा? अरे भैया तेरे पास हॉल टिकट है, एग्जाम हो चुकी है, तो मार्कशीट पे भी सीट नंबर होता है, वो करेक्ट यहाँ पे आपको डालना है, सीट नंबर की जगह पे एकदम जो करेक्ट डिजिट है वो डाल दो, ये कंपलसरी रहेगा। फिर पासिंग मंथ रहेगा आपका, अगर मार्च जुलाई अक्टूबर उस पे रहता है वो आपको डालना है, सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद है पासिंग ईयर, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया 2020, वो करना है। नेम ऑफ द, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज अपीयरिंग इन द 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, क्योंकि कल को उसका कंपैरिजन आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं देखा जाता है। तो जैसे नाम आपके मार्कशीट या हॉल टिकट पे प्रिंट हुआ है, सेम आपको यहाँ पे भरना है, उसमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देन अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं हम लोग, आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वो डालो कि जिसपे मैसेज, क्योंकि कम्युनिकेशन भले ही आप मेल आईडी दे रहे हो, पर मोस्ट ऑफ द अलर्ट्स जो है वो, मोस्ट ऑफ द नोटिफिकेशन वो मोबाइल पे आने वाले हैं, तो मोबाइल नंबर पेरेंट का डालना प्रेफरेबल है, प्रोवाइडेड पेरेंट का मोबाइल उतना आप देख सको, या पेरेंट या स्टूडेंट का, किसी का भी डाल दो। मेल आईडी डालना है इफ अवेलेबल, बोल तो इट इज नॉट कंपलसरी, पर है, नहीं है तो जनरेट कर दो, अभी एडमिशन को आगे जिंदगी भर लगने वाला है, तो एक मेल आईडी आप जनरेट करके वहां पे डाल सकते हो। फिर उसमें है सिक्योरिटी क्वेश्चन, कोई भी सिलेक्ट कर लो सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर, विच इज योर फेवरेट गेम, विच इज योर फेवरेट मूवी, कुछ भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका आंसर। से फॉर एग्जाम्पल विच इज योर फेवरेट मूवी मैंने सिलेक्ट किया और वहां पे डाल दिया जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, स्पेलिंग हार्ड है छोड़ दो। फिर व्हाट इज योर ग्रैंडफादर नेम, वो डाल के रख दो, पर आपने आंसर क्या दिया वो याद रखो। सर इसका क्या काम है? कल को अगर आप पासवर्ड भूल गए तो उस टाइम पे रिकवरी के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको डालना कंपलसरी है। देन अब आपको बनाना है पासवर्ड, पासवर्ड ऑटो जनरेटेड नहीं है, आपको खुद बनाना है। फिर खुद बनाते समय पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक बनाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया नवनीत, यानी VANIIT 1234, तो ये अल्फा न्यूमेरिक 12 डिजिट का हो गया, तो ऐसे बनाना है। फिर एक बार कंफर्म वही पासवर्ड लिखना है, कैपिटल स्मॉल के झंझट में मत पड़ो, चाहे तो पूरा स्मॉल लिख दो, क्योंकि ये कोई बैंक ट्रांजेक्शन का पासवर्ड नहीं है। और पासवर्ड कहीं पे लिख के रखो कैपिटल स्मॉल, दिमाग ठिकाने पे रखकर। फिर उसके बाद ये कैचे का पूछता है, मीन्स आप रोबोट तो नहीं हो, उसके लिए आपको कोड यहाँ पे जो दिया है वो प्रिंट करना है, और फिर आपको पूरा डालना है रजिस्टर। जैसे ही आप रजिस्टर बोलोगे आपको एक स्क्रीन आ जाएगी, दैट इज द लास्ट स्क्रीन हम बोलते हैं, और उसमें आपको दिखेगा कि आपका ये पासवर्ड आईडी, ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपका जनरेट हो चुका है, वो आपको आपके पास लिख के रखना है। आज के बाद जब भी इस वेबसाइट पे आप लॉगिन होगे, उस आईडी से और पासवर्ड से रजिस्टर से होगे, एंड देन ओनली यू बिकम द परफेक्ट इनटू दैट। तो ये प्रोसीजर है टू क्रिएट लॉगिन आईडी। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि सर फॉर्म नंबर वन जो है वो 1 अगस्त से चालू होगा, तब तक आप ये करके रखिए आपके पास। उसमें हर साल चेंजेस होते हैं, जनरली फॉर्म नंबर वन जो महाराष्ट्र बोर्ड का स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को क्या करना होता है कि डायरेक्टली आपको जो है महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, तो उसको जैसे ही वो जो सीट नंबर डाला हुआ रहता है तो उसका पूरा डेटा उसमें आ जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा डेटा सिंक हो जाता है। पर अगर आप दूसरे बोर्ड से हो, लाइक ICSE, CBSE या इससे हो, तो उस केस में आपको क्या करना है कि पार्ट वन जब आप भरोगे, तब उस समय आपको आपका फॉर्म वेरीफाई गाइडेंस सेंटर से जो है उससे उसको वेरीफाई करके मिलता है, आपको मार्कशीट आपकी कन्वर्ट करनी पड़ती है, वो चीजें आपको याद रखना है। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर इस वेबसाइट को आप देखते हो, मतलब फर्स्ट टाइम लाइक आई एम वेरी इंप्रेस विद दिस, यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया है आपको, हर चीज का उन्होंने वीडियो डाला है, जब भी दिक्कत आएगी आप ये कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात, फॉर्म नंबर वन भरने में भी कोई दिमाग नहीं है, नॉर्मल चीजें उसमें है। व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉर्म नंबर टू जब आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं,
तो मैं पक्का अगर मुझे टाइम मिलेगा तो 1 and 2 का वीडियो बनाऊंगा, पर इस वीडियो में कुछ आपको आईएमपी बातें बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिए। जब भी आप कॉलेज स्कूल सिलेक्ट करते हो तो उसमें क्या देखना चाहिए? सबसे पहले इस बार जो ब्रॉशर कॉलेज के लिस्ट का आने वाला है वो ऑनलाइन रहेगा। पहले फिजिकल कॉपी मिलती थी, वो इस बार ऑनलाइन मिलेगी, जिसमें पुणे के लगभग 300 कॉलेजेस रहने वाले हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का पूरा ऑनलाइन है। पहले 150-200 से पुणे सिटी पिंपरी चिंचवड़ के होते थे, अब पुणे डिस्ट्रिक्ट है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज, आपको जो कॉलेज चाहिए उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लीजिए, उसके करीबन 1-2% ऊपर नीचे आपका एडमिशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 70% मिला है और मैं बीएमसीसी को अप्लाई कर रहा हूँ, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। 90-92% को अगर क्लोज हुआ है तो आप क्यों कोशिश कर रहे हो? सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉलेज के आप सीक्वेंस ठहरा लें अपने परसेंटेज के हिसाब से, और ऐसे कुछ नहीं होगा कि लकी लॉटरी निकलेगी और आपको लगेगा, बिल्कुल नहीं, मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन होता है। बहुत बार स्टूडेंट इन हाउस कोटा एक होता है, जो से फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में 11th 12th और 10th उनका ही था तो वो वहाँ के वहाँ एडमिशन मिलते हैं, लेकिन वो छोड़ के जनरली मैनेजमेंट कोटा पिछले बहुत सालों से बड़े बड़े कॉलेजेस सरेंडर कर रहे हैं, तो आप किसी के बातों में आके मैनेजमेंट कोटा की सीट मिलेगी वगैरह उसके भरोसे पे ना रहे। अब जब आप कॉलेज चूज करते हो तो मीडियम देख लेना है, इंग्लिश होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको जैसे CA CS CMA करना है तो आपका उसमें मैथ्स के बारे में देख लेना, मैथ्स सब्जेक्ट है क्या। फॉरेन लैंग्वेज करना है तो जर्मन फ्रेंच में से कुछ उस कॉलेज में अवेलेबल है या नहीं। आप इसमें जो है दोस्तों, आपको तो है ना, इस फॉर्म भरते वक्त एडेड है अनएडेड है ये भी देखना जरूरी है। बहुत से पेरेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम स्कूल में डालें या कॉलेज में, इट डिपेंड्स। अगर आपका 12th के बाद आपको टेंशन नहीं लेना है तो आप यू कैन कंटिन्यू इन द स्कूल कॉलेजेस जिसमें 11th से DY तक है। पर अभी अभी आप बोलेंगे दो साल मेरा बच्चा थोड़ा डिसिप्लिन सीख जाए, अच्छे से सीख ले, तो यू कैन पुट इन द स्कूल। कोशिश करिए कि आप 11th 12th कॉमर्स मीडियम में करें, इंग्लिश मीडियम में करें। सब्जेक्ट के ऑप्शन होते हैं, जैसे SP थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बच्चे का मैथ्स अच्छा है तो आप जरूर मैथ्स लीजिए, इंग्लिश ठीक ठाक है तो फॉरेन लैंग्वेज भी लीजिए, देन कॉलेज कोएड है वगैरह देख लीजिए। बहुत से कॉलेज में दो दो कैटेगरी हुई है, BMCC एडेड, BMCC अनएडेड। सर फर्क क्या है? सेम कॉलेज सेम डिवीजन सब कुछ सेम रहेगा, एडेड का फीस कम रहेगा, अनएडेड का ज़्यादा रहेगा, तो वो आपको सिक्वेंस आपको भरनी है। पुणे में अगर मैं बात करूँ तो 10 अच्छे कॉलेजेस कॉमर्स में, अगेन आई एम नॉट द पर्सन कि वो उसको रैंक दे, पर जो मैंने बच्चों से सुना है, जो हमारे सुनने में आता है, BMCC का नाम अच्छा है, सिम्बोसिस है, MMCC है, देन उसके बाद वाडियाज है, गरवारे कॉलेज है, SP कॉलेज है, देन मॉडर्न कॉलेज है शिवाजी नगर, तो ये कुछ गिने चुने ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका नाम काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा भी आप देखिए कि आपके घर से नज़दीक है क्या कॉलेज, लेक्चर्स वहाँ पे होते हैं क्या, फीस हमको वहाँ की पढ़ने वाली है क्या, डिस्टेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब जगह वही पढ़ाने वाले हैं, तो ब्रांड नेम के पीछे ना जाके, कुछ पुणे के इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं पर पढ़ाई कुछ भी नहीं होती है, खाली आपके ऊपर लेबल लग जाएगा मैं इस फलाने कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखकर एक अच्छा कॉलेज चूज कीजिए, जिससे आपके बच्चे को एक अच्छा करियर शेप हो सकता है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो मेरा अभी आने वाले शनिवार को 1 अगस्त को शाम TV पे प्रोग्राम है, आप वो जरूर देखिए। उसका इस चैनल में ही आप रहोगे तो इसमें भी लाइव होगा, वो प्रोग्राम होने के बाद मैं लाइव आऊँगा, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। कोई भी स्टूडेंट प्रोसीजर पता नहीं है बोल के एजुकेशन से वंचित ना रहे, और ये जो प्रोसीजर मैंने बताई साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबको एप्लीकेबल है, तो आपको ये करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मैं कभी भीख नहीं मांगता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, आई डोंट वांट दैट। आपको अच्छा लगता है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, पास ऑन करो। सब्सक्रिप्शन का फायदा ऐसे होगा कि जब भी ऐसे कोई वीडियो आएंगे पता चलेंगे, और आपके मालूमात के लिए मैं पिछले 2 महीने से 11th कॉमर्स के बच्चों को घर पे रहकर जो बोर हो चुके थे उनको कॉमर्स की मालूमात मिले, हमने सारे सब्जेक्ट के फ्री लेक्चर्स 3 महीने के लिए रखे हैं, वो भी अभी चालू है, आप वो भी जाके देख सकते हो। एक 20-25% स्टूडेंट ऐसा था
कि जो कॉमर्स लेने ऐसे तैयार मनाया तो था गैज नहीं गैज है, वो अब वो कॉमर्स करने को तैयार हो गया है. सो जस्ट गो थ्रू विद दैट. मेरे करियर के लेक्चर्स देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू.